हेलो गाइस, मैं हूँ सुमेर सिंह एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जो दोस्तों आज हमारे पास आई है मारुति इको, जो आज हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं इसका फ्रंट ग्रिल एलईडी और ये सिल्वर ब्लैक व्हील कैप और ये फुल वाला इको का लगेज कैरियर और जो हम लोग अंदर भी हम लोग नियोन एलईडी वाइट वाली लगाने वाले हैं इसके अंदर। जो फर्स्ट आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट ग्रिल आपको इस टाइप से देखने को मिल जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी देती है। और हम लोग ये लगाने वाले हैं ये वाला इको का 3D लेटर वाला ये एलईडी ग्रिल, यहाँ पे देख सकते हैं ये मैट्रिक्स में रहती है हमारी ये वाली एलईडी ग्रिल और ये आपको ये मैट फिनिश में देखने को मिल जाती है। और ये जो इको लिखा हुआ है ये आपको ये वाइट देखने को मिल जाता है। और ये जो लेटर रहते हैं ये वाले 3D लेटर रहते हैं, जैसे हम कभी ऑन करते हैं तो ये 3D लेटर में ये ऑन होता है। और इसके अंदर आपको 3mm टेप देखने को मिल जाता है पेस्टिंग करने के लिए और बाकी इसमें आप स्क्रू भी कर सकते हैं। तो हम आपको अभी ऑन करके दिखा रहे हैं ये वाला, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने ऑन किया और आप देख सकते हैं आपका इको लिखा हुआ अलग ही आपको सुपर ब्राइट रोशनी आपको दिखेगी और ये आपको 3D में दिखेगा आपको, ये जैसे कोई कभी दूर से भी देखता है तो ये आपको ये 3D लेटर में आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा ये वाइट कलर में, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये भी वाटरप्रूफ रहता है ये वाली एलईडी ग्रिल, जैसे आप गाड़ी वॉश करवाते हैं तो कुछ नहीं होगा। और ये हमारा वाइट कलर का पार्किंग बल्ब है, ये आप देख सकते हैं जैसे हम कभी ऑन करेंगे तो ये वाइट ग्रिल के साथ में ये वाला जो हमारा पार्किंग बल्ब भी ये वाला ये इस टाइप से ऑन हो जाता है वाइट कलर में। ये हमारी जो ग्रिल से हम लोग ने मैच करते हुए हमने ये वाइट कलर का ये पार्किंग बल्ब लगा दिया है और ये भी बिल्कुल आसानी से लग जाता है और ये भी बढ़िया रहता है। इसकी रोशनी भी काफ़ी बढ़िया रहती है और इसकी भी सुपर ब्राइट ये रोशनी रहती है हमारे पार्किंग बल्ब भी, ये देख सकते हैं। और ये सिलिकॉन में रहता है ये बल्ब और ये हमारी फाइनली लग चुकी है ये हमारी इको की फ्रंट ग्रिल, यहाँ पे देख सकते हैं ये एलईडी ग्रिल रहती है ये। और ये आप देख सकते हैं ये हमने ऑन करी और इसकी रोशनी भी काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे देख सकते हैं बस खाली ये हमारी ग्रिल की और इसकी रोशनी है और काफ़ी बढ़िया लुक आता है हमारी इको का, मारुति इको का। और ये हमने नियोन एलईडी स्ट्रिप लगाई हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं वाइट कलर में, ये भी हम ऑन करेंगे तो पूरी गाड़ी में रोशनी हो जाएगी काफ़ी बढ़िया, यहाँ पे देख सकते हैं और काफ़ी बढ़िया लग रही है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरी गाड़ी में उजाला हो गया। और ये भी हम फिट किए, ये कभी हमारी ऑन हुई है और एसी के एसी दूसरी जगह भी अभी ये ऑन हो जाएगी हमारी ये लाइट। और ये हमने रिम ब्लैक करके हमने सिल्वर ब्लैक का हमने ये व्हील कवर लगाया हुआ है और लगने पर काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है, बिल्कुल एलॉय लुक आ रहा है ये हमारी मारुति इको का, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला भी रियर वाला। इसमें हमने सबसे पहले साफ़ किया, साफ़ करके हमने एक ब्लैक स्प्रे से हमने इसको पहले रिंग को ब्लैक करके फिर हमने ये वाला ब्लैक सिल्वर हमने ये लगा दिया व्हील कैप, तो काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं मारुति इको का। और ये काफ़ी अपना सॉफ्ट रहता है, ये सॉफ्ट फाइबर का रहता है हमारा व्हील कैप, जैसे ब्रेकर भी कूदती है तो ये टूटता नहीं है। और ये हमारी मारुति इको का फुल वाला लगेज कैरियर, यहाँ पे देख सकते हैं और ये पूरा SS का रहता है, ये यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला काफ़ी ये काफ़ी मजबूत रहता है और ये हमारा SS का रहता है, ये प्योर स्टील का रहता है ये हमारा लगेज कैरियर हमारे यहाँ बिल्कुल बना के लगाते हैं और बिल्कुल साइज़ बाई साइज़ लेके हम लोग नाप तोल करके बिल्कुल बनाते हैं ये वाला, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर गाड़ी वाइज ही बनाते हैं ये इको का जो हमने बनाए हैं, ये पूरा फुल साइज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा फुल साइज़ है ये हमारा लगेज कैरियर, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कभी आपका काफ़ी जितना भी सामान हो इस पर आपका आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं और काफ़ी मजबूत रहता है ये। और ये हमारा ये हैंडमेड है, ये कोई हम कोई ऐसे कंपनी से नहीं मंगाते, ये हम खुद ये बनाते हैं ये लगेज कैरियर, मतलब कि आपको लगेज कैरियर भी मिल जाएगा और आपको बम्पर भी हमारे पास बना के हम लोग लगाते हैं, अब जैसा डिज़ाइन चाहो वैसा हम लोग बना के लगा देते हैं। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी मजबूत है
और ये पूरा फुल वाइज, ये पूरा फुल इको का है, ये पूरा गाड़ी वाइज पूरा फुल है ये। यह लगेज कैरियर आप देख सकते हैं, हम आपको ऊपर से दिखाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। और काफ़ी मजबूत रहता है ये, इसमें आप करीबन कितना भी सामान रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं होती। और फाइनली ये हमारी पार्किंग बल्ब भी ऑन हो चुका है, और हमारी ये फ्रंट ग्रिल भी, और ये हमारा व्हील कैप, ये आप देख सकते हैं व्हील कैप भी काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है। और ये हमारा लगेज कैरियर भी लग चुका है, और ऑल ओवर लुक देख सकते हैं आप हमारी इको का, काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है मारुति इको का। व्हील कैप में आपको लगेगा ही नहीं कि आपने व्हील कैप लगा हुआ है, बिल्कुल एलॉय लुक आ रहा है। और ये हमारा लगेज कैरियर भी काफ़ी बढ़िया मजबूत तरीके से हमने लगा दिया है,